हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका का कार्य पत्र 76। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर कार्य पत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 76 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई होती है निश्चित या अनिश्चित? तो रेखा की जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है ना। रेखा की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई निश्चित, रेखाखंड की लंबाई भी होती है निश्चित, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वह रेखाएं कहलाती है। जब एक दूसरे को काटती है तो वह रेखाएं कौन सी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना, कहलाती है। नेक्स्ट है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखना, समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, बीच की दूरी, ये हर जगह समान होती है। क्या होती है? समान, ठीक है। अगला, नीचे दी गई आकृति में, अब आकृति में हमें क्या देखना है? बिंदुओं के नाम। तो बिंदु है ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है ना। एफ तक हो गया, 6 बिंदु है इसके अंदर, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। अब रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो रेखाखंड ए बी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए बी, फिर लिखेंगे ए सी और फिर लिखेंगे बी सी। ये रेखाखंड है इसमें बी और सी, ठीक है, ए बी, ए सी और बी सी। और कौन सा आ जाएगा? ई डी या डी ई भी कह सकते हैं, डी ई, डी एफ, डी एफ है और एफ ई, ठीक है। अगला, समांतर रेखा युग्म। तो देखो, एफ ई के समांतर है बी सी, एफ ई समांतर है बी सी के। दूसरा युग्म कौन सा है? डी एफ समांतर है ए सी के, ये भी हो गया। अब आ जाएगा, ये तो दो हो गए, ये दोनों हो गए, अब आएंगी, अब है एफ ई समांतर है किसके? बी सी के। एफ ई समांतर है बी सी तो हमने ले लिया था पहले ही, ये वाला तो हो गया था हमारा, ठीक है ना, ये दोनों तो हमने क्या कर लिया, ले लिया। फिर उसके बाद डी एफ समांतर है ए सी के, ये भी हमने ले लिया। अब आएगा ए सी समांतर है एफ डी के, ए सी समांतर है एफ डी के, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। सबसे पहले तो बी सी और एफ डी, बी सी और एफ डी, बी सी और एफ डी यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे कौन सी काट रही है वो देख लो। तो यहाँ पे जो काटने वाली है डी ई और एफ डी, डी ई और एफ डी एफ। दूसरा, अब यहाँ पे कौन सी कट कर रही है? तो ए सी और डी ई, ए सी और डी ई, फिर यहाँ पर ई एफ और ए सी, ठीक है, फिर यहाँ पर ए बी, ए बी और एफ ई, ठीक है, ए बी और एफ ई। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, तो ए बी और एफ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ए बी और एफ डी, ए बी और एफ डी, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। कार्यपत्र कौन सा था? 76। ध्यान रखना है, हमें पूरा कंप्लीट कर लिया। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।